गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक आपने बी पार्ट देखा था जिसमें थे AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम सी पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी IFRS। आपने जो पिछले में AS पढ़े थे वो AS केवल हमारे इंडिया में यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड को लेकर थे, अब हम इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर इसको पढ़ेंगे। आपको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले स्टार्टिंग में हमारा बिज़नेस जो था वो डोमेस्टिक लेवल तक ही लिमिटेड था, या और कंट्रीज़ का भी उनकी कंट्रीज़ तक ही लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे कम जो बिज़नेस था वो ग्लोबलाइज हुआ। MNC कल्चर यानी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनका कल्चर हुआ, कई कंपनियों ने अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रियों में भी अपनी ब्रांचेस को ओपन किया डिफरेंट कंट्रीज़ में। पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे एक कंट्री में जो कंसेप्ट या कन्वेंशंस यूज़ किए जाते थे वो दूसरी कंट्री में हों ऐसा ज़रूरी नहीं था, इसलिए कंपैरिजन करना बहुत टिपिकल था। इसलिए ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की नीड महसूस हुई जो वर्ल्ड वाइड ईजीली एक्सेप्टेबल होते थे। इसके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC को इस्टेब्लिश किया गया 1973 में, जिसका मेन मोटिव था कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश किया जाए। इस कमेटी में UK, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, इन सभी कंट्रीज़ की प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज मेंबर्स थी। इंडिया की जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमेटी है वो IASC, वो 1974 से मेंबर थी, पर बोर्ड को ज्वाइन इसने 1993 में किया। IASC ने 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप किया जो IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाने जाते थे उस टाइम पर। लेकिन मेन मोटिव इन IAS को डेवलप करने का था कि वर्ल्ड वाइड हम एक्सेप्टेबल और यूनिफॉर्म ऐसे स्टैंडर्ड या ऐसे कंसेप्ट को डेवलप करें जो सब जगह ईजीली एक्सेप्टेबल हों। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें IASB और IFRS क्या है। 2001 में जो हमारी IASC थी उसको रिप्लेस कर दिया गया एक नई बॉडी के साथ जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इस बोर्ड ने IASC के बनाए हुए 41 IAS में से 12 को रिड्यूस कर दिया और करंट में केवल 29 ही इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। IASB ने जो रिड्यूस करके 29 IAS बनाए उन्हीं को हम IFRS के नाम से आज के टाइम में जानते हैं। अब इसके मेन मोटिव क्या थे। फर्स्ट मोटिव था IASB का एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करना जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हों, जिनसे हम ट्रांसपेरेंट वे में कंपेरेबल बना सकें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करना कि सभी कंट्रीज इन स्टैंडर्ड को यूज़ करें, अपनी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व करें। और थर्ड है कि कवरेज जो थी नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी लेवल, मतलब किसी एक कंट्री के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेवल पर लेकर आना। अब मीनिंग क्या है IFRS का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम यानी IFRS ये जो हैं ये वो स्टैंडर्ड हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके इस्टेब्लिश किए गए, जो पहले IAS के नाम से जाने जाते थे अब उनको IFRS के नाम से जाना जाता है। इसके लिए 10 प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश किया गया है और वही हमारे IFRS कहलाते हैं, वो आपको नेक्स्ट पेजेस रखे हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहला जो हमारा IAS है जिसे स्टार्टिंग में हमारे फर्स्ट दे रखा है IFRS 1, ये है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अगर आप पहली बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टर्म्स को लेकर है। जो सेकंड है वो शेयर बेस्ड पेमेंट को लेकर है, यानी अगर आप शेयर के थ्रू अपनी कंपनीज में पेमेंट करते हैं। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन को लेकर है, अगर आप मल्टी आइटम्स में डील करते हैं तो उस चीज़ों को लेकर। IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं किसी अंदर पार्टी के साथ तो उसको लेकर। IFRS 5 नॉन करंट असेट्स यानी जो फिक्स असेट्स होती हैं वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में यानी बिजनेस बंद होने में कैसे उनको डिस्चार्ज करा जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। IFRS 6 में एक्सप्लोरेशन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जो माइंस वगैरह होती हैं जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने से जुड़े हुए बिजनेस होते हैं उनको लेकर हैं।
IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिस्क्लोज़ किया जाए अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में उसको लेकर है। ऑपरेटिंग सेगमेंट IFRS 8 में आते हैं और IFRS 9 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। एक 10th और है जो अलग से प्रिंसिपल नहीं है, वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है कि वो किस तरीके से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो ये 10 प्रिंसिपल्स हैं जो IFRS के थ्रू आते हैं। अब वो IAS जो 29 यूज़ किए गए थे, ISB ने इस्टेब्लिश किए थे, पहला था IAS 1, वो प्रेजेंटेशन को लेकर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस वे में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड IAS 2 इन्वेंट्री यानी स्टॉक को लेकर है कि स्टॉक कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर है, ये आप आगे पढ़ेंगे कैश फ्लो क्या होता है, किस तरीके से कैश आया, कहाँ कैश आपने खर्च किया उसको लेकर। IAS नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को लेकर है कि फंडामेंट और एरर्स और चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में क्या होती हैं उन चीज़ों को लेकर। IAS 10 इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट यानी बैलेंस शीट बनने के बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको लेकर है। IAS 11 कंस्ट्रक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर है जो कंपनीज कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। IAS 12 इनकम टैक्स को लेकर है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट इनसे रिलेटेड है। IAS 17 लीज को लेकर है, लीज़ मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं तो। IAS 18 रेवेन्यू को लेकर है यानी सेल्स से जो अमाउंट अर्न होता है। IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट यानी एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और IAS 20 अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट या मैंने बताया गवर्नमेंट से मिलने वाले डोनेशन को कैसे आप अपने बुक में शो करेंगे उसको लेकर है। IAS 21 इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी बताया था मैंने AS में, यहाँ पे IAS में है कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं उनको लेकर हैं। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट लोन वगैरह पे जो इंटरेस्ट चार्ज होती है उसको लेकर है। और IAS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, आपके बिजनेस में जो पार्टी इन्वॉल्व हैं उनको कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा। IAS 26 में अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स यानी पेंशन ग्रेचुटी जो एम्प्लॉयर की को प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को उसको लेकर। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग ईयर को मिलाकर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो कैसे होगा। इन्वेस्टमेंट अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो वो IAS 28 में आएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जब बहुत ज़्यादा महंगाई ज़्यादा होती है, प्राइसेस में बहुत चेंजेस आते हैं उस टाइम पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। IAS 31 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनियों का आपस में पार्टनरशिप को लेकर जो प्रेजेंटेशन होती है उसको लेकर है। IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ प्रेजेंटेटिक्स यानी आप इंस्ट्रूमेंट को जो हैं आपके फाइनेंशियल वाउचर बिल वगैरह उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे। IAS 33 अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IAS 34 को लेकर। इम्पेयरमेंट मतलब डिफरेंट असेट्स को सेपरेट करने को लेकर IAS 36। और प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट असेट्स को लेकर, ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस में कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो श्योर नहीं होती है कि पे करनी है या नहीं, और ऐसी कंटिंजेंट असेट्स ऐसी इनकम जो रिसीव होगी या नहीं होगी ये श्योर नहीं होता, उसे कंटिंजेंट असेट्स कहते हैं। उसका प्रेजेंटेशन इंटेंजिबल असेट्स को लेकर IAS 38। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट को लेकर IAS 39। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेकर, और एग्रीकल्चर बिजनेस में IAS 41 यूज़ होता है। तो ये हमारे IAS हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है।